नमस्कार, सुलभ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज। बेटियों की शादी में दहेज की कुप्रथा सालों से चली आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक रिटायर्ड शिक्षक ने अपने काम से लोगों को नई प्रेरणा दी है। जूनियर हाई स्कूल प्रतापपुर के अवकाश प्राप्त सहायक अध्यापक ब्रजलाल कन्नौजिया ने गाँव की ही एक बेटी की शादी में टॉयलेट का सामान और सीट गिफ्ट की। सिर्फ इतना ही नहीं, कन्नौजिया ने शादी का पूरा खर्च भी उठाया। इलाके के लोग बताते हैं कि कन्नौजिया पहले भी गरीब बच्चों की शादी में कपड़े, अन्नदान और कई चीजें देते रहे हैं, लेकिन इस बार शौचालय का सामान देकर उन्होंने नई खूबसूरत परंपरा की शुरुआत की है। देश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था की भी जर्जर हालत यहाँ साफ देखी जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर विकास क्षेत्र में स्थित पतेई भूड़ गांव का प्राइमरी विद्यालय उम्मीद की नई रोशनी दिखाता है। यह स्कूल किसी भी बड़े प्राइवेट स्कूल की तरह ही आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहां स्वच्छ शौचालय, बेहतरीन ईंटों से सजी फर्श, रंग बिरंगी दीवारें और कमरों में लगे पंखे जैसी कई सुविधाएं बच्चों को स्कूल तक खींच लाती हैं और शिक्षा के प्रति सजग करती हैं। इसका प्राइमरी स्कूल के कायाकल्प का श्रेय जाता है गांव के प्रधान वीर सिंह चौहान को, जिनकी मेहनत से ये स्कूल आज अन्य प्राइमरी स्कूलों के लिए मिसाल बन चुका है। और देश में प्रदूषण की बढ़ती समस्या का ठीकरा कई स्थानों पर अक्सर पराली के सर फोड़ा जाता है, लेकिन अब एक अच्छी खबर है कि इस पराली से बिजली बनाई जाएगी। देश के सभी थर्मल पावर प्लांट में कोयले के साथ बायोमास पैलेट्स अर्थात पराली मिलाएंगे। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाद अब केंद्र सरकार ने दूसरे प्रदेशों में भी थर्मल पावर स्टेशनों में 5% पराली से बनने वाले पैलेट्स इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पराली के पैलेट्स के लिए टेंडर भी जारी कर सकता है। इसी के साथ गुड न्यूज में इतना ही, और मुझे भेजिए इजाजत, लेकिन लगातार खबरों के लिए देखते रहिए सुलभ टीवी। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।